हाँ जी फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वही प्रोजेक्शन का जो हमारी पेंडिंग टाइप्स पड़ी हैं। प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया ही है पहले वीडियोस में, टू टाइप्स का है, पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव। पैरेलल की भी दो टाइप्स थी, ऑब्लिक एंड ऑर्थोग्राफिक। इसकी टाइप्स हम कवर कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्लिक। ठीक है जी, तो ऑब्लिक की दो टाइप्स होती हैं, उन दोनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, कैवलियर एंड कैबिनेट। जो हमने डिटेल में ऑर्थोग्राफिक की टाइप्स की थी, जब भी ये टॉपिक स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया है तो वो टाइप्स स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम इजीली क्लियर हो जाता है, ये टफ लगता है, लेकिन है इसमें भी कुछ नहीं, हम सिंपल सी अप्रोच यूज करके इसको करने वाले हैं तो आपको इजी लगेगा। हाँ जी, पहली बात तो ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन होता क्या है। ठीक है जी, ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन क्या है, जिसमें लाइंस पैरेलल है पहली बात तो, क्योंकि वो पैरेलल की ही टाइप है, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कौन सी लाइंस? प्रोजेक्शन लाइंस, जो लाइंस व्यू प्लेन पे पड़ रही हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी, भी ये मार्कर है, इसकी हम ड्राइंग ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस मार्कर से जो लाइंस बोर्ड की तरफ आ रही हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, एक लाइन यहां से आ रही थी, एक नीचे से आ रही थी, ये लाइंस एक दूसरे के क्या थी, पैरेलल। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई व्यू पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था पेन, तो ऐसे लाइंस जा रही थी। क्लियर, तो लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ऑब्लिक में ऐसे लाइंस जा रही हैं ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए। लेकिन एक नया फैक्टर ऐड हो चुका है कि लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल तो हैं, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन। मतलब वो लाइंस अब व्यू प्लेन पे परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि व्यू प्लेन के यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा, वो कहां पे पड़ा है, कहीं यहां पे है, और ऐसे लाइंस जा रही हैं। क्लियर, अगर ऐसे जाती तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता व्यू प्लेन के साथ, अब उसका 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, इट मींस कोई ना कोई और एंगल बन रहा है। ठीक है जी, उस बेसिस पे ही हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, कैवलियर एंड कैबिनेट। पहली चीज तो दोनों में इंप्लीमेंट होगी, क्या मैंने जो अभी बताया कि लाइंस इसमें भी क्या होंगी, पैरेलल, इसमें भी क्या होंगी, पैरेलल। क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि ये पैरेलल की ही एक सब टाइप है। क्लियर, अब दूसरी शर्त जो अभी इसमें हमने इंप्लीमेंट किया, दूसरा स्टेप जो इसमें ऐड किया था, क्या कि लाइंस पैरेलल तो है बट व्यू प्लेन पे 90 का एंगल नहीं बना रही, इट मींस ये लाइंस ऐसी नहीं है। कैसी है? ऐसी है, पैरेलल तो है बट दे आर नॉट मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट मींस कोई ना कोई और एंगल बना रही है। ठीक है जी, अब सेम एज इट इज कैबिनेट में है कि लाइंस आर पैरेलल बट दे आर मेकिंग सम अनदर एंगल विद व्यू पोर्ट। आप ध्यान देना, जो मैं ये नीचे बना रही हूं इसको मैं व्यू पोर्ट बना रही हूं, एक तरह का व्यू पोर्ट क्या होता है, जिसपे हम कोई भी इमेज बनाना चाहते हैं, और ये लाइंस कौन सी है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये लाइंस आ रही हैं ऐसे, और यहाँ पे उसकी डायग्राम शो होगी हमें। क्लियर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक कैवलियर एंड कैबिनेट। तो इन दोनों में एक सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, पहली बात तो इसमें जो एंगल बन रहा है व्यू पोर्ट के साथ, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सिंपल आपको ये याद रखना है। ठीक है, और कैबिनेट में जो एंगल बन रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेट 63.4 डिग्री। बेसिक डिफरेंस ये है कि कैबिलियर में क्या बन रहा है, अल्फा एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और इसमें 63 डिग्री का एंगल हो रहा है। ठीक है जी, अब मैं आपको बता दूं यहां पे टेन अल्फा अगर हम अप्लाई करें, टेन 45 डिग्री, यानी कि टेन लगा दिया दोनों साइड्स पे, टेन 45 किसके इक्वल होता है, 1 के। क्लियर, इतनी चीज। अब आगे उस तरफ देखिए, इसमें क्या होगा, ये अगर दोनों तरफ हम टेन लगाए, टेन अल्फा टेन 63.4 डिग्री, ये अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल होता है। ठीक है, इसको टैन को हम कॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के मैथ के फॉर्मूला से है, आपको जस्ट इनकी वैल्यूज को याद रखना है। तो कॉट जो होता है वो इनवर्स होता है टैन का। ठीक है, अगर टैन की वैल्यू 2 है तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका इनवर्स, यानी कि 1/2।
ठीक है। तो अगर आपको कभी भी tan अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया हो तो आप समझ जाओगे दैट क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, कैवलियर, और इसमें किसके बारे में, कैबिनेट। ठीक है जी। अब मैं आपको कैवलियर और कैबिनेट का काफी इंपॉर्टेंट एक डायग्राम के थ्रू समझा रही हूं जिसके थ्रू आपको इजीली समझ लग जाएगा। ठीक है जी। आप देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई क्यूब है, क्यूब तो समझते हो जैसे डाइस होता है ना, एक हम कोई भी गेम खेलते हैं लूडो वगैरह उसमें एक डाइस यूज करते हैं, तो वैसा एक क्यूब है हमारे पास और उसकी हमने डायग्राम बनानी है क्यूब की। तो डायग्राम हम ऐसी बनाते हैं, ये लाइंस, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनती है। ठीक है जी। अगर हम कैवलियर की बात कर रहे हैं तो कैवलियर में दिस साइड विल बी ए, दिस ए क्यूब है ना, तो सारी साइड्स क्या आ गई, ए। उसके बाद अगर इसको हम इसकी इसकी इस क्यूब की डायग्राम इधर व्यू पोर्ट पे बना रहे हैं यहां पे पीछे, तो ये वाली जो लाइंस जा रही है प्रोजेक्शन लाइंस, दीज आर प्रोजेक्शन लाइंस, ओके, एक दूसरे के पैरेलल है ना। और व्यू प्लेन पे भी देखो आप 90 का एंगल नहीं बना रही, अगर 90 का एंगल बनाती होती तो ये ऐसे नहीं जाती, ऐसे जाती, क्लियर। ठीक है। अब क्या है कि जब भी हम ऐसी डायग्राम बना रहे हैं तो ये साइड, ये साइड, ये सारी साइड्स भी क्या आ जाएंगी हमारी, ए। मतलब इसमें देखिए हमने tan अल्फा इज इक्वल टू 1 लिखा था ना, जब भी कैवलियर की बात होगी तो कैवलियर में एक सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, देयर इज नो फोर शॉर्टनिंग ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन, क्लियर। मैं लिख रही हूं इस लाइन को, देयर इज नो फोर शॉर्टनिंग ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस which falls on view plane, जो lines view plane की तरफ जा रही हैं उन lines का size छोटा नहीं होगा, वो lines उतनी ही होंगी जितना हमारा object का size है, अगर वो A था। अब मैं जब आपको cabinet बताऊंगी तो आपको ये clearly ज्यादा easily पता चल जाएगा। देखिए जी कैबिनेट में क्या होगा, कैबिनेट में आपने देखा cot अल्फा इज इक्वल 1/2 हो रहा है, आ रहा है ना, इट मींस देयर इज फॉर शॉर्टनिंग ऑफ लाइंस विच फॉल्स ऑन व्यू प्लेन, मतलब इसमें फॉर शॉर्टनिंग हो रही है। आज तक काफी बार जितने बार भी क्वेश्चन आया है इसी पॉइंट पे आया है कि किसमें फॉर शॉर्टनिंग होती है किसमें नहीं, कैबिलियर में फॉर शॉर्टनिंग नहीं होती, देयर इज फॉर शॉर्टनिंग, इसमें हम क्या लिखेंगे, there is foreshortening of lines which falls on view plane, ठीक है। तो कैबिनेट की डायग्राम कैसी बनेगी ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल, सेम ये तो ए है सारी साइड्स, लेकिन जो ये ऐसी लाइन है दिस विल बी ए बाई टू, ए बाई टू, ए बाई ठीक है। जो प्रोजेक्शन लाइंस हमारी व्यू प्लेन की तरफ जा रही हैं वो इसका हाफ हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैवलियर एंड कैबिनेट। कैवलियर में अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसमें अल्फा इज इक्वल टू 63.4 डिग्री, tan अल्फा 1 हो जाएगा, tan अल्फा 2, और अगर cot में बात की हो cot इनवर्स होता है tan का, दैट इज 1/2, 1/2 से ही हमें क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि इसमें लाइंस जो परपेंडिकुलर फॉल कर रही हैं व्यू प्लेन पे उनकी फोर शॉर्टनिंग हो रही है, मतलब वो छोटी हो रही है, ठीक है जी। तो इसमें हम एक लाइन और भी कह सकते हैं लास्ट, वो क्या है कि लाइंस परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन आर प्रोजेक्टेड विद नो चेंज इन लेंथ, नो चेंज इन लेंथ, लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा लाइंस की, और उसमें हम कह सकते हैं कि लाइंस क्या हो जाएंगी, 1/2, 1/2, ठीक।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने, इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन कर देना। हाँ जी, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाएं। थैंक्स अ लॉट।